अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? दिस इज शुएब तारिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रिसर्च विद शुएब केमिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, और वी कैन ऑल्सो से दैट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बेंजीन से रिलेटेड एक टॉपिक है, जो कि बेंजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। So before going to start my video, it's my request from all viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in order to get the latest video notification in your inbox. So बिना वक्त जाए कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, के बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अ वर्ड डज इट मीन्स, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अ वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, ये इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो है एक ऐसी स्पीशी को बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शॉर्टेज होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जाना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। मींस इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक की सब्स्टिट्यूशन हो रही है। मींस के एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है, अब यहाँ बेंजीन रिंग की बात हो रही है तो एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा, अटैक करेगा, अटैक करने के बाद एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो कमिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन, द फिनोमिना इन विच वन इलेक्ट्रोफाइल कैन रिप्लेस अनदर इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वी कैन सिंपली डिफाइन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मीन्स के एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, जनरल मैकेनिज्म में मैंने यहाँ पे एक आपके पास बेंजीन रिंग लिखी है, तो ये जस्ट एक बेंजीन रिंग है और ये ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज स्पीशी के ऊपर जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे और ये रिएक्शन जो है ना वो स्लो होगा। अब ये रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो टेक्स प्लेस हो रही होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड बेंजीन रिंग बॉन्ड, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये स्टेप स्लो है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये हाइड्रोजन एस शोन जो कि यहाँ पे पहले से मौजूद था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, वी कैन से दैट कि ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा है जो कि रिमूव करना लाजमी है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक बेस है कि बेस जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, बेस जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे जिसके नतीजे में ये दोबारा बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, रीगेन होने के नतीजे में ये दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग बन जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। सो ये क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और एक इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, रिमूव हो गया। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग की हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल पैटर्न है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं आगे जो कि हम डिस्कस करेंगे, सच एज नाइट्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज नोन एज नाइट्रेशन, ये कि हम अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह हैलोजिनेशन है, इसी तरह सल्फोनेशन है, इसी तरह अल्कालेशन एंड एसाइलेशन। अल्कालेशन और एसाइलेशन का एक कॉमन नेम्स भी है जिसे हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस बोलते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम कमिंग वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।